एक स्कूल में खड़ा हूँ और मेरे सामने आपको तीन महिलाएं दिख रही होंगे। आपको ये महिलाएं हैं मेरे सामने और ये जो है आप समझ गए होंगे कि स्कूल में क्या करती हैं। ये लोग खाना बनाती हैं, जो मिड डे मील है, जो मध्यान्ह भोजन जो बच्चों को मिलता है, वो खाना बनाती हैं। और ये प्रॉपर देखिए ये ड्रेस में है, सरकार इनको ड्रेस दे दी है। और देखिए बढ़िया से है ना, ड्रेस दे दी है ना। क्या नाम बच्चा जी? हमन के सुमति कुमार। सुमति, पैसा मिले तनखा टाइम पर? नहीं, तनखा उधर कहाँ मिले। कितना तनखा मिलेगा? 2000 में आप लोग का काम चल जाता है? अब पता नहीं, अब तो सरकारें समझ नहीं। तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपका 2000 में काम चलता है कि नहीं, आप बताइएगा तब ना सरकार को पता चलेगा। उतना पता चलता नहीं है। नहीं चलता है? नहीं चलता। कितना सैलरी? कम से कम महीना पर 5000 रुपया बढ़ा सका। महीना में 5000 चाहिए? 5000 हाँ। अच्छा। अभी महीना में 2000 मिल रहा है, अभी 5000 कुछ दे। बहुत गर्मी लग रही है, आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि 2000 में ये 6-7 घंटा अपना टाइम देती है रोज, मतलब महीने में 4 संडे को छोड़ दीजिए। चावल बनाते हैं 40 किलो, 45 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो दाल हो जाता है, 20 किलो, 25 किलो सब्जी हो जाता है। जगन्नाथ महतो जी और हेमंत सोरेन जी, फुर्सत मिले तो 10 मिनट खाली इस रूम में आकर खड़ा होकर दिखा दीजिए। खड़ा होकर 10 मिनट दिखा दीजिए, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बेहोश हो जाइएगा। इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है, लग रहा है ना कि हम किसी का बोलते हैं कि कोई भाप से हमको पघला रहा है, है ना चाची? काम होता है, हमने 40 किलो पानी से फैल हमनी के रूम चाहत अलग रूम चाहिए ना। एकरा से बढ़िया तनी चैनगर की कनी आइए भारी। बहुत जर्जर स्थिति है जी, बहुत जर्जर स्थिति है, ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई पका देगा इंसान को, इतनी गर्मी है अंदर। पंखा क्यों नहीं लगवाते हैं आप? हमने की ये में कर ही लेबा सबो दिन, तब गरम लागो तबो, ठंडा लागी तबो, का लागी तबो यही में कर नहीं खाना पतिया बढ़ा ना सकल माने की जब पहले तो कर ली आप बढ़त बना है, आप कोठली हमनी के दोसर बनावे ला देबस, तनी सा आराम कर ले देबस, है ओमे पंखा लगा देबस तब ना ठीक हो के बजुरिया बढ़। देखिए समस्या ये है कि आप मिड डे मील शुरू किए हैं, ठीक है खाना खिलाइए, गरीब के बच्चे आते हैं, लेकिन एक बढ़िया किचन तो बनवाइए स्कूल में, तो ऐसे कैसे खाना बनेगा जी? जुगाड़ केला ऐसा लग रहा है कि भोज बन रहा है महाराज, ऐसा लग रहा है तप जाएगा इंसान, मतलब सब कुछ जुगाड़ पे चल रहा है, शिक्षा व्यवस्था भी जुगाड़ पे चल रहा है, खाना भी जुगाड़ पर बन रहा है, ये महिलाएं बेचारी खाना भी जुगाड़ से बना रही है। इनसे ज्यादा तो हमको लगता है कि कचरा बिकने वाले का तनख्वाह होता है। जितना बा ना सर जी, जितना हमन के कढ़ैया काम बा उतना मजदूरी नहीं मिलता। नहीं मिलता है ना? नहीं, एक दिन का कम से कम 500 रुपया होना चाहिए। हाँ तब आपका ये 400 होना चाहिए, तब 40 किलो चावल हमन तुरत ही तो का हमन के फायदा बा। ओकरे में 40 किलो के पानी अंजाद देख लियो कि यहाँ से हुआ तक ढोए ला भाई। पानी भी ढोना पड़ता है? हाँ, पानी भी हुआ से ढोना पड़ता है। हाँ। कम से कम भीरू नल रहता है, चाहिए ऐसे एते एते 4-6 को डेग मांजना है, वही में अब कमटी झांझरा कलचुल बल्टी उल्टी सब ना साफ करना है। कम से कम आप लोग को कम से कम 7-8 घंटे तो लग ही जाता होगा। तब बस साहब 2-3 बजे? हाँ, तब 2 बजे छुट्टी हो जाएगा, 2 बजे लड़का के साथ। अच्छा, तो सुबह 8 बजे आती है, 2 बजे जाती है, कहीं और काम नहीं कर पाएगा आप लोग? तो कहाँ ले कर पा रहा, बरवानिए सोचू। अब ओकरो से ज्यादा थक जाए तो जाहूँ मैं, बहुत दूर घर बा, पैदल चले ला ही पड़ाला। अच्छा, आप लोग के बच्चे लोग ही पढ़ते हैं? हाँ। तो यहाँ का पढ़ता होगा, कोई मास्टर नहीं है यहाँ पर, तो क्या पढ़ता होगा आप लोग का बच्चा? मास्टर सरकार पढ़ाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग तो ये काम कर रही हैं, तो आपका बच्चा उच्चा जब अच्छा पढ़ेगा नहीं तो फिर कैसे चलेगा? फिर वही यही सब काम करेगा? तो यही चाहती हैं आप लोग? हाँ, हाँ, हाँ। यही चाहती हैं, यही काम? हाँ। करें कि अच्छा मास्टर बने, कोई ऑफिसर बने, कोई बीडीओ बने, कोई डीसी बने, इंजीनियर हाँ। बने, डॉक्टर, ये चाहिए? ढेर रेंगा हाथी या कम मास्टर हाथी तो कैसे पढ़ाता थी, कितना पढ़ाता थी। आप इनके दर्द को जरा सुन लीजिए जगन्नाथ महतो जी और माननीय हेमंत सोरेन जी, थोड़ा सा अमल कीजिए और थोड़ा सा दया कीजिए, अगर क्योंकि आप समझिए कि किस स्थिति में ये लोग खाना बना रही हैं, तब आपको समझ में आएगा। कम से कम इनका तनख्वाह 400 रुपया होना चाहिए था एक दिन का, 6-7 घंटा ये समय देती हैं आकर, पानी लेना जाती हैं उधर, किचन ऐसा लग रहा है कि किचन नहीं कोई है, मतलब कोई अच्छा कोई बिजली कोई घर बना दिया अंदर से, पूरा एकदम गर्मी भाप निकल रहा है। अब सरकार ऐसा खोल दिले बन कि जे 10 किलो बनात बताओ ना के, अब 50 किलो बनात बताओ ना के, एक मजदूरी बा जी। एक और समस्या है जगन्नाथ महतो जी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपको एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा
कि जो 10 किलो चावल बना रही है महिलाएं उनका उनका तनख्वाह अलग होना चाहिए और जो 50 किलो बना रही है उनका तनख्वाह अलग होना चाहिए। थोड़ा सा ये सब देखिए और जानने की कोशिश कीजिए धरातल पर कितनी समस्याएं हैं स्कूलों में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भोकाल टीवी न्यूज। जय हिंद। चलिए नमस्ते।